एक बार निगप्पा माता निगप्पा केंद्र इंसान ने दिल तक का भले बदकिस्मतिया माचे रियासत निश्ते या रियासत जिस्म दिल माने संग दिले रियासत मगप्पा को हराम मगप्पा ए माता नी फरियाद ए चौका नी फरियाद कस गोश्तारे का तैयार नहीं इसी वजह हमें से एक बलूची फरियाद अगर जरनेला ने चोकला पता भी तेना पाकिस्तान खतरा अगर जज्जा ने चोकला पता भी तेना पूरा पाकिस्तान खतरा अगर एक ब्यूरोक्रेसी जो काला लापता बीते ना पूरा रियासत का खतरा गरीबानी चौक को बलोचानी चौक के लापता पका पाकिस्तान है खतरा नहीं अयोजूद है खतरा नहीं बल्कि आगोशा के पाकिस्तान है इस्तेकाम वास्ता जरूरी है कि पाकिस्तान है इस्तेकाम वास्ता जरूरी है बलोचानी बच्चा लापता का बलूचानी बच्चा लापता बेका था के पाकिस्तान मुस्तकम बीवी ईशान दस साल चौका लापता बेका पाकिस्तान मुस्तकम बीवी ईशान दस साल चौका बेगुआ बेका के मैं मुल्क मुस्तकम भी मैं उनसे सवाल करता हूँ कि पाकिस्तान मशरिकी पाकिस्तान बांग्लादेश बना उसमें कोई एक बलोच था कोई एक बलोच नौजवान का नाम है एक बलोच फर्द का नाम है जिसने मशरिकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया नहीं नहीं जिनके नाम थे उनको वजीर आजम बनाया जिनके नाम थे उनको वजीर बनाया जिनके नाम थे उनको जायदाद दे दी उनको मराहत दिए इनामत दिए पाकिस्तान तोड़ने के मेरा नौजवान कोई फेसबुक के किसी पोस्ट पे कमेंट्स करता है तुम उसको लापता करते हो जिसने पाकिस्तान दो टुकड़े किया तुमने वजीर आजम बनाया तुमने मराहत दी तुमने उनको जायदाद दे दी मेरे नौजवान ने तो पाकिस्तान दौलत नहीं किया वो अपने दर्द के मारे जुल्म के मारे तकलीफ के मारे वो एक पोस्ट को कमेंट्स करता है लाइक का बटन दबाता है आप उसको लापता करते हो भाई जान ये रियासत है जब आपकी रियासत सोशल मीडिया के एक पोस्ट के लाइक से खतरा हो आपके रियासत को सोशल मीडिया के एक पोस्ट के लाइक के बटन दबाने से खतरा हो तो आपको खुद एक गिलास पानी में डूब मरना चाहिए आपको खुद भी एक गिलास पानी में डूब मरना चाहिए कि एक नौजवान कमेंट्स के लाइक बटन दबाने से आपके इस्लामाबाद को खतरा है लेकिन मैं हमारे एक नौजवान ने आगो कि हमारा रिकॉर्डिंग का कार ने पिलानी हमारा सच्चे ना कर से पहचानी नहीं मैं हमारा कार अपने मच्छी मौजू ही नहीं मच्छी मौजू में नौजवान बच्ची बेगुआ नौजवान मच्छी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है ताल्लुक बलूचिस्तान से चीफ जस्टिस बनने से पहले बड़े कानून और आइन की बात करता था बलूचिस्तान वाले बड़े खुश थे कि जस्टिस फायजी सा फर्जंदे बलूचिस्तान जब चीफ जस्टिस बनेगा तो हमारे प्यारे हमें मिलेंगे हमें बच्चे हमें मिलेंगे तो चीफ जस्टिस साहब क्या कहता है कि भाई सरकारी अफसरान को साहब मत कहो भाई साहब कहो हम उनको साहब कहते हैं ये काम ना करो हमारे बच्चे वापस दे दो हमारे बच्चे वापस दे दो लापता अफराद का कमीशन बना जस्टिस जावेद इकबाल की क्यादत में आमिना मसूद जंजुआ साहिबा कहती है कि मैं उनके सामने पेश हुए तो उन्होंने बजाय कि हमारे बच्चों को बेबादियाब करे बजाय हमारे आंसू पूछे हमारी तोहीन की हमें बेइज्जत किया हमें तोहीन की और हमारे माओ ने बहनों ने जो अभी बातें की उन्होंने तकरीर नहीं की अपने दिल की बातें की आप मुझे बताएं मैं रियासत वालों से कहता हूं कि किसी माँ का बच्चा लापता हो और उस लापता पर माँ को आप बताए क्या पाकिस्तान जिंदाबाद का हो उसका पाकिस्तान तो आपके हुकूमत खाने में
उसका पाकिस्तान तो आपके जेल में, मेरी माँ का पाकिस्तान उसका बच्चा है, मेरी बहन का पाकिस्तान उसका बच्चा है। तो आप क्या समझते हो जब उसका पाकिस्तान आपके अबू का हुकूमत खाने में हो, उसका पाकिस्तान आपके जेल में हो, उसका पाकिस्तान आपके उस हुकूमत खाने के अंदर हो, तो आप पाकिस्तान को मुस्तकम कर रहे हो, आप रियासत को मुस्तकम कर रहे हो, आप पाकिस्तान की मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल रहे हो या नफरतें डाल रहे हो। इससे मुल्क मुस्तकम नहीं होते, इससे रियासतें मजबूत नहीं होती, इससे रियासतों की बुनियादें हिल जाती हैं। जब मेरी माँ इस मुल्क को बद्दुआएं दे रहे हो, हमारी बहनें इस मुल्क को बद्दुआएं दे रहे हो, हमारे बच्चे इस मुल्क को बद्दुआएं दे रहे हो, हमारे वजीरों के बच्चे लंदन में, हमारे जर्नलों के बच्चे लंदन में, हमारे जजेस के बच्चे लंदन में, कौन के बच्चे सड़कों पे के मेरे बच्चा वापस कर दो, मेरा बच्चा बाजियाब कर दो, मेरा प्यारा बाजियाब कर दो, मेरा लश्कर जगर बाजियाब कर दो। मैं चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान से गुजारिश करता हूँ कि आपको ये चंद महीने आपके पास है, इसी साल आप रिटायर हो जाएंगे, आप तारीख में नाम पैदा करके जाओ, हमारे प्यारे वापस करके जाओ, हमारे नौजवानों को बाजियाब करके जाओ।